ये कहानी एक ऐसे मैच, एक ऐसे कांड पर आधारित है जिसने संपूर्ण क्रिकेट जगत को हिला दिया था। मॉन्स्टर्स मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इज डेडिकेटेड बॉयज। हमेशा मुस्कुराने वाले बुमराह आखिर लॉर्ड्स में गुस्सा क्यों? पहली बार बुमराह का अलग रूप देखने को मिला। अंग्रेजों को अपने घर में बुलाकर पहले टेस्ट, फिर ओडीआई और अंत में टी20 सीरीज में पराजित करने के पश्चात अब बारी थी अंग्रेजों को अंग्रेजों के घर में घुसकर खदेड़ने की। परंतु अंग्रेजों को अंग्रेजों के घर में पराजित कर पाना विश्व क्रिकेट में विश्व के किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जो गेंदबाज इंडियन कंडीशन में टीम इंडिया के सामने घुटने टेक रहे थे वही गेंदबाज अंग्रेजी कंडीशन में इंडियन बल्लेबाजों के लिए महाकाल बनने वाले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड क्लैश ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सीरीज का पहला मैच, पहले मैच में टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी। परंतु बारिश और बारिश के बाद सारा खेल बिगड़ गया। नॉटिंघम अब ड्रा हो चुका था, अब बारी थी क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स की। 1982 से अपराजित लॉर्ड्स का यह मैदान अंग्रेजों के लिए एक वरदान था। दुनिया भर की टीमें यहाँ इस मैदान में आती तो जरूर थी, लेकिन अंग्रेजों के सामने इस मैदान में झुके हुए उनके सर अनबीटन इंग्लैंड की शक्ति को प्रकट कर रहे थे, क्योंकि इस किले को भेद पाना दुनिया के लिए असंभव था और ऐसे में इस मैदान पर खेलना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था। 12 अगस्त 2021, दोनों टीमों के कप्तान लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान में टॉस के लिए आ चुके थे। सिक्का मैदान पर उछाला गया। टॉस जीतकर अंग्रेजी कप्तान जो रूट ने पहले गेंदबाजी का फैसला सुनाया। इस फैसले के सम्मान में टीम इंडिया रोहित और राहुल के साथ मैदान में उतर जाती है। रॉबिन्सन और एंडरसन के सामने लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान में ये चुनौती आसान नहीं था, और ऐसे में जेम्स एंडरसन का इस मैदान में ये ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन क्रिकेट प्रशंसकों का दिल दहला रहा था। परंतु रोहित और राहुल ने एंडरसन की खुली चुनौती को स्वीकार किया और 126 रनों तक इन दोनों ने इंग्लैंड के हर कठिन सवाल का जवाब अपने अंदाज में दिया। दोनों के बल्ले से अर्धशतक आ चुका था। रोहित का बल्ला अब 83 के व्यक्तिगत स्कोर पर था, परंतु एंडरसन की ये बॉल रोहित के सपनों पर भारी पड़ी। एक अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया अपना पहला विकेट खो चुकी थी। महज 24 रनों का इजाफा होता है कि उसके बाद टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा एंडरसन के सामने चरमरा गए। एंडरसन का अनुभव टीम इंडिया पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में एंट्री होती है किंग विराट द किंग कोहली की। जिस बैटल का इंतजार संपूर्ण विश्व कई सालों से कर रहा था, वो युद्ध, वो पल, वो वक्त, वो मंजर अब दुनिया के सामने था। 150 पर दूसरा विकेट खोने वाली टीम इंडिया और अंग्रेजों पर पलटवार कर चुकी थी। केएल के साथ कोहली की ये साझेदारी टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया। परंतु रॉबिन्सन की ये बॉल और कप्तान कोहली से एक गलती, और इस गलती के साथ पूरे मैच का समीकरण बदल चुका था। कोहली के बाद टीम इंडिया बैक टू बैक अपने विकेट खो रही थी। एक छोर से राहुल टीम इंडिया के लिए रन विजय बना था, वहीं दूसरी छोर से टीम इंडिया के अदर बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए रन छोड़ बन चुके थे। एक छोर से लगातार विकेट पर विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से राहुल अपने शतक को पार कर चुके थे। पर टीम इंडिया के 7 विकेट खो चुके थे और 364 रनों तक पहुंचते पहुंचते टीम इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर रहे केएल राहुल। केएल ने 250 गेंदों में 129 रन बनाए, वहीं हिटमैन के बल्ले से महज 83 रन आ सके। ये रहा इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। विराट ने भी 103 गेंदों में महज 42 रन बनाए, और ये रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। जेम्स एंडरसन ने 29 ओवर में महज 62 रन खर्च करके टीम इंडिया के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं ऑयली रॉबिन्सन ने 33 ओवर में 72 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। इंडियन बल्लेबाज लगभग अपना काम कर चुके थे और अब बारी थी इंडियन पेस अटैक की। 364 के जवाब में इंग्लैंड ने महज 23 के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया।
इंडिया के ये गेंदबाज अंग्रेजों पर आक्रमण कर चुके थे। इस आक्रमण के प्रतिरोध में अंग्रेजी कप्तान जो रूट अब मैदान में अपनी जड़ें जमा चुके थे। रूट ने रॉरी वंश के साथ एक साझेदारी करने का फैसला किया। एक तरफ से रूट का बल्ला धीरे धीरे अपने सत्ता फिर 150 के पार पहुंच चुका था, वहीं दूसरे छोर से अंग्रेजी बल्लेबाजों का आत्मसमर्पण इंडियन गेंदबाजों के सामने लगातार जारी था। रूट ने मैच 321 गेंदों में अकेले नॉट आउट 180 रन बनाए। ये रहा अंग्रेजी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। रॉरी वंश ने 136 गेंदों में 49 रन बनाए तो जॉनी बैरिस्टो ने 107 गेंदों में 57 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे। सिराज ने 30 ओवर में 94 रन खर्च करके 4 विकेट लिए। वहीं ईशांत शर्मा ने 24 ओवर में 69 रन खर्च करके अंग्रेजों के 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। इंग्लैंड अब टीम इंडिया से महज 27 रनों से आगे था। ऐसे में टीम इंडिया को अब जरूरत थी एक बेधड़क धांसू शुरुआत की। अपने इसी उम्मीद के साथ इंडियन बल्लेबाज लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान में एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरते हैं, परंतु मार्क ने पहली पारी के शतक वीर केएल राहुल को आउट कर टीम इंडिया की उम्मीदों में वज्र का आघात किया। इधर राहुल के बाद रोहित भी महज 21 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। देखते ही देखते धीरे धीरे 167 के स्कोर पर आधी टीम इंडिया पवेलियन से ये मैच देख रही थी। रहाणे के अलावा कोई भी इंडियन बल्लेबाज अंग्रेजी गेंदबाजों के सामने टिकने का नाम नहीं ले रहा था। पहली पारी में अंग्रेजों के सामने अपनी लड़ाई लड़ने वाले इंडियन बल्लेबाज दूसरी पारी में वही बल्लेबाज अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुके थे। एक अच्छी शुरुआत के बाद एक बार फिर से एक अच्छा खासा टेस्ट मैच अब टीम इंडिया से दूर जा रहा था। इंडियन बल्लेबाज अंग्रेजी पेस अटैक के सामने घुटने टेकने को मजबूर थे, परंतु 10वें विकेट के लिए कुछ ऐसा हुआ जो विश्व क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। टीम इंडिया की आखिरी जोड़ी अब टीम इंडिया के लिए मैदान में थी। वैसे इनसे कोई उम्मीद तो नहीं थी, परंतु एंडरसन का ये बर्ताव इनके चयन में घाव कर चुका था और नतीजा अंग्रेजों का सबसे बेस्ट गेंदबाज इनके सामने पुछल्ले गेंदबाजों की तरह गेंदबाजी कर रहा था। अंग्रेजों का ये ओवर कॉन्फिडेंस अब फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका था। जो अंग्रेज टीम इंडिया के 9 विकेट इतना जल्दी गिरा चुके थे, वही अंग्रेज अब टीम इंडिया के आखिरी विकेट के लिए घंटों से तड़प रहे थे। उनके समझ नहीं आ रहा था कि जसप्रीत और सिराज के स्टीफेंस को कैसे भेद निकाले। इस लड़ाई से एक बात तो खास हो चुकी थी कि ये नया भारत है, ये इस बार अंग्रेजों की गुलामी नहीं अंग्रेजों पर राज करेगा। और यहीं से शुरू होती है क्रिकेट जगत की एक सबसे रोमांचक राइवलरी। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाला एंडरसन दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज को आंख दिखा रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया के ये दोनों गेंदबाज टीम इंडिया के ओपनर्स की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने अंग्रेजों के हर गेंदबाज को बेधड़क और कई घंटों तक दौड़ाया। इनके डिफेंस को भेद पाना अब अंग्रेजी गेंदबाजों के बस के बाहर था। ऐसे में अब किंग कोहली को भी समझ आ चुका था कि इन दोनों का ये विकेट अब अंग्रेजों के बस के बाहर की बात है। ऐसे में किंग कोहली ने अपनी पारी घोषित कर दी। टीम इंडिया के लिए ये दोनों बल्लेबाज आखिरी विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी कर डालते हैं। कोहली ने टीम इंडिया की इस पारी को 298 रनों पर डिक्लेयर किया। ऐसे में कोहली के इस डिसीजन पर दुनिया के कई क्रिकेट पंडितों ने कई सवाल किए। दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज कोहली के इस फैसले से खुश नहीं थे, परंतु किंग कोहली वो तो किंग था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। ये रहा दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 146 गेंदों में 61 रन बनाए। ये रहा अंग्रेजी गेंदबाजों का लेखा जोखा। अब ऐसे में इंग्लैंड के सामने 272 रनों का एक शानदार लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरा इंग्लैंड बिना खाता खोले अपने ओपनर्स को खो चुका था। बुमराह और समी ने पहले बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी से अंग्रेजों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। समी और बुमराह की आक्रमण से अंग्रेज अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। जो लॉर्ड्स का मैदान उनका कभी घमंड हुआ करता था, लॉर्ड्स का वही मैदान अब उनका काल बन चुका था, क्योंकि इस मैदान पर अब टीम इंडिया के दो शेर बेधड़क बेइंतहा अपने अंदाज में दहाड़ रहे थे। इन दोनों की स्विंग होती इन गेंदों के सामने अंग्रेजी बल्लेबाज नतमस्तक हो चुके थे। देखते ही देखते 67 के स्कोर तक आधी अंग्रेजी टीम पवेलियन की राह पकड़ चुकी थी। पिछले दो मैचों में शतक बनाने वाला शतक वीर जो रूट इस पारी में इन दोनों के सामने कुछ खास कमाल न कर सका। जो इंग्लैंड कभी इस मैच को जीतने के लिए मैदान में उतरता है, वही इंग्लैंड इंडियन पेस अटैक के सामने घुटने टेकने को मजबूर था। समी सिराज बुमराह ने मिल करके
अंग्रेजों के 8 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह पकड़ा दी। 120 के स्कोर तक पूरी इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया ये टेस्ट मैच 151 रनों से जीत चुकी थी। नंबर ऑफ प्लेयर्स बिहाइंड इंडियाज हिस्टोरिक विन एट लॉर्ड्स, टेंशन ऑन द फील्ड दैट रियली हेल्प्ड अस एंड रियली यू नो मोटिवेटेड अस टू फिनिश दिस गेम। रियली अमंगस्ट द टॉप 3 बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दैट आई हैव विटनेस्ड एज इंडियन कैप्टन। दिस टीम इज अ बिट स्पेशल। India thoroughly deserved to be one up. India deserved it. They did enough to win. It's an outstanding bowling performance. Every one of them got a wicket. कोहली के जिस फैसले पर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज